छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में वरिष्ठ कृषि अधिकारी नागेश्वर लाल पांडे ने किसान हित में अनेक काम किए हैं। आबंटी के फसल उत्पादन बालोद जिला में गुरूर ब्लॉक पर ग्राम मंचुआ में किया जा रहा है। संबंध में कलेक्टर ने कहा कि जिले के किसानों को इस फसल के लिए जागरूक किया जाएगा और बेहतरीन प्लान बनाकर इनकी खेती की जाएगी, जिनसे लोगों के आय के साधन बढ़े। किसान केशव पटेल ने बताया कि पहले पारंपरिक तरीके से खेती कर रहा था, जिसे जंगली जानवर चट कर जाते थे। मैं ऐसी फसल खोज रहा था जिसे मेरे ये लाभ का सौदा बन जाए। तभी कृषि विस्तार अधिकारी ने बताया कि अबंडी की खेती कर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि इसकी पत्ती से लेकर जड़ तक बिकती है। फिर कृषि कार्यालय से बात की तो उन्होंने बताया कि इसके फूलों से जैम बनता है जो महंगे दामों पर बिकता है। मुझे लगा कि अबंडी की खेती नुकसान को फायदे में बदल सकती है। शुरुआत में तय किया इसे कम हिस्से में प्रयोग के तौर पर लगाऊंगा। आज मैं 12 एकड़ में इसे लगाया हूं और अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल, फूल, ये शर्करा वाली फसलें। इसके अलावा एक ऐसी फसल है जो बहुत ही विलक्षण है, इसको वंडर क्रॉप के रूप में भी जाना जाने लगा है, क्योंकि ये बहुत हाई वैल्यू क्रॉप है। आप देखेंगे ये 10 एकड़ करीब में इसकी खेती यहाँ के किसान जो केशव पटेल जी कर रहे हैं, ये एक व्यावसायिक रूप में इसकी खेती की जाने लगी है और इसका महत्व बहुत दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। जंगल क्षेत्र में जहां बेकार जमीन पड़ी है और उस जमीन का हम सदुपयोग करवाएं, तो एक हमें ये अच्छी फसल लगी और किसान ने मुझे से ये सलाह ली, सामने बगल से किसान खड़ा है कि सर मेरे ऐसा फसल बताइए जंगल में कि जंगली जानवर और कोई चोर चमार कोई चंडाल नुकसान न करे। 20,000 रुपया कुंटल में हम लोग इनका मार्केट तय कर रहे हैं और जितने हमने समूह विकसित किए हैं तीन समूह अपने विकास खंड में, और इनको अच्छी आमदनी किसान को भी होगी और समूह को भी।